हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। बाइनांस ऐप पर आप कैसे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। बेसिकली जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में नए हैं वो अभी इंडियन एक्सचेंज ही यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूंगा, जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं लाइक कॉइनस्विच, कुबेर हो गया, वजीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, यहां पर बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए। साथ ही साथ टाइम टाइम पे यहां पर पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने की भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सचेंज है यहां पर सर्वर का भी इशू रहता है, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो इनके एप्लीकेशंस वर्क नहीं करते, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने के लिए सारे एप्लीकेशन बढ़िया है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाते हो तो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पर मूव करना पड़ेगा। ऐसे में बाइनांस दुनिया का नंबर वन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जहां पर आप बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, पी2पी ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ऐप के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। बाइनांस की काफी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पर मैंने आपको स्टेकिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, पी2पी ट्रेडिंग और भी कई सारी चीजों के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, कैसे आप यहां पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना होता है, मिनिमम लिमिट कितनी होती है, ट्रेडिंग फीस कितनी कटती है, प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, अगर आपने अभी तक बाइनांस पर अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनांस का लिंक मिल जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं क्या होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ओके, सो यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं अपने बाइनांस के एप्लीकेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनांस एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और यहाँ पर आपको इंडियन रुपीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आपको यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो पहले आपको अपने इंडियन रुपीज़ से USDT या BTC खरीदना होगा, उसके बाद आप उस क्रिप्टो करेंसी से बाकी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज कर पाओगे। सो सिंपल लैंग्वेज में, स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपके स्पॉट वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए जिससे कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे। तो बाइनांस पर USDT डिपॉजिट करने के कई सारे तरीके हैं। आप पी2पी ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो, किसी दूसरे एक्सचेंज से इसके एड्रेस पे भेज सकते हो, या फिर अगर आपके पास वजीरएक्स का अकाउंट है तो वहां से आप बाइनांस पर डायरेक्टली बिना किसी फीस के क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने आपको बताया कैसे आपको बाइनांस और वजीरएक्स वॉलेट कनेक्ट करने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। फिलहाल मैं जो तरीका यूज करता हूं बाइनांस पर USDT डिपॉजिट करने का वो है पी2पी ट्रेडिंग। पी2पी ट्रेडिंग बहुत ही सिक्योर्ड मेथड है जिसके थ्रू आप बड़े ही आराम से अपने इंडियन रुपीस को पे करके USDT बाय कर लेते हो। उस USDT को आप स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, फिर उससे आप बड़े ही आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पी2पी ट्रेडिंग कैसे पूरी तरीके से काम करती है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका टाइटल है हाउ टू डिपॉजिट मनी इन बाइनांस। वो वीडियो आप देख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि कैसे हम बाइनांस में पी2पी ट्रेडिंग के थ्रू USDT बाय करते हैं और उसे हम अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, तभी आप समझ पाओगे कि पी2पी ट्रेडिंग काम कैसे करती है और कैसे आपको बाइनांस में पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो पी2पी ट्रेडिंग के थ्रू जैसे ही आप USDT बाय कर लोगे मर्चेंट से, आपके पी2पी वॉलेट में USDT डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पी2पी वॉलेट में 30 USDT दिखा रहा है। अब आपको इसे अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपको ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक करना है, देन ट्रांसफर पे क्लिक करना है। सो यहां से हम USDT सेलेक्ट करेंगे और यहां से मैक्सिमम अमाउंट एंटर कर देंगे जितना भी हमारे फंडिंग या पी2पी वॉलेट में है। मैं आपको बता दूं, फंडिंग वॉलेट और पी2पी वॉलेट सेम हो चुका है, बाइनांस ने दोनों को मर्ज कर दिया, इसलिए यहां पे फंडिंग लिख के आ रहा है, पहले यहां पर पी2पी वॉलेट लिख कर आता था। तो हमने यहां पर USDT सेलेक्ट करके मैक्सिमम अमाउंट सेलेक्ट कर दिया, अब हम कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो भी हमारे पी2पी वॉलेट में बैलेंस था वो हमारे स्पॉट वॉलेट में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने स्पॉट वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्पॉट ट्रेडिंग के इंटरफेस पे और वहाँ पे समझाता हूँ कैसे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है और कैसे क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए गाइज हम ट्रेड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, फिएट, पी2पी। सो हमें यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है, इसलिए हम स्पॉट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर गाइज आपको क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिसे आप बाय करना चाहते हो। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं जिनकी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। फेवरेट्स में वो सारी क्रिप्टो करेंसीज होंगी जिनको आप अपने फेवरेट्स में ऐड करके रखोगे। तो BNB पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आ जाएंगी जो BNB के पेयर में अवेलेबल हैं। अगर आपके स्पॉट वॉलेट में BNB कॉइंस हैं तो उनसे आप इन क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हो। इसी तरह BTC के पेयर वाली क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अल्ट्स कॉइन पे क्लिक करेंगे तो इथेरियम, ट्रोन और XRP के ऑप्शन मिलते हैं। बट गाइस हमने यहाँ पर अपने
अपने स्पॉट वॉलेट में USDT डिपॉजिट कर रखा है तो हमें USDT से ही बाय करना है, तो हम फिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम USDT सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर वो सभी क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं जिनको हम USDT के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो जो भी आपको बाय करना है आप यहां से बाय कर सकते हो। जैसे मुझे यहां पर WRX बाय करना है तो हम WRX सर्च कर लेंगे और ये USDT के पेयर में आ चुका है, हम ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर ली है जिसे हम USDT के थ्रू बाय करने वाले हैं और यहां पर आप देख सकते हो हमारा पेयर भी WRX और USDT दिखा रहा है। सो WRX का जो करंट प्राइस है वो यहां पर शो कर रहा है, आप देख सकते हो $11.152 और इंडियन रुपीज में ₹86.89। और इसके ऊपर आपको जो रेड कलर में दिख रही है वो सारी सेलिंग की बिट्स हैं और जो नीचे दिख रही है वो बाइंग की बिट्स हैं, मतलब इस प्राइस पे लोग इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं बाइंग और सेलिंग की, कैसे आपको स्पॉट ट्रेडिंग में किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करना है। सो यहां पे गाइस आपको चार तरीके के ऑर्डर टाइप मिलते हैं। पहला है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर और OCO ऑर्डर। सो लिमिट ऑर्डर का ये मतलब है कि अगर आपको करंट प्राइस पे बाइंग नहीं करनी है, आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाइंग करना चाहते हो तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे अभी इसका प्राइस है $1.152 और आप चाहते हो कि जब इसका प्राइस $1.13 आए तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, उसके पहले आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो आप यहां पर 1.13 एंटर करके और जितना भी अमाउंट आप बाय करना चाहते हो वो एंटर करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जब मार्केट का प्राइस आपके लिमिट ऑर्डर के प्राइस से मैच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप करंट प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहां से मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब गाइस आपको यहां पर प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं है, जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो यहां पे एंटर करो। उसके बाद जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पर। तो जैसे अभी इसका प्राइस $1.16 है और मार्केट प्राइस पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली ट्रेड हो चुका है और हमारे कॉइंस बाय हो चुके हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप बाइनांस पर स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको मिनिमम 10 USDT की बाइंग करनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं 9 USDT यूज करके WRX कॉइन बाय करना चाहूं तो बाय नहीं होंगे। मैंने यहां पे 9 एंटर किया, बाय WRX पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो लिखकर आ रहा है टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10, मतलब आपको मिनिमम 10 USDT स्पेंड करने हैं तभी आप कोई क्रिप्टो करेंसी यहां पर बाय कर पाओगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बता रहा है। इसके अलावा गाइस यहां पर आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर और OCO ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने आपको चारों ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताया कि लिमिट ऑर्डर्स का कैसे आपको यूज करना होता है, मार्केट ऑर्डर्स का कैसे यूज करना होता है, स्टॉप लिमिट कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपको लॉस से बचाने के लिए, और OCO ऑर्डर क्या होता है जिसमें आप स्टॉप लिमिट और लिमिट ऑर्डर दोनों को एक साथ प्लेस कर देते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने चारों ऑर्डर टाइप्स के बारे में आपको बताया, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, मेरे चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसे इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया हमारा बाइंग ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग ऑर्डर की। तो सेलिंग ऑर्डर में भी सेम कंडीशन है, सेल पे हम क्लिक करेंगे और जितना भी अमाउंट हमें यहां पर सेल करना है वो हम सेल कर देंगे, और सेलिंग में भी यही लिमिट है, आपको मिनिमम 10 USDT का सेल करना होगा। जैसे मैं अभी 8.8 USDT का सेल करता हूं तो आप देखना लिख कर आएगा टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10। सो यहां पर भी आपको मिनिमम 10 USDT का ही सेल करना है। मुझे 100% सारे कॉइन सेल करने हैं तो मैंने 100% पे टिक कर दिया। अब हम सेल WRX पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे कॉइन सेल हो जाएंगे। सो स्पॉट ट्रेडिंग में जो भी हम कॉइन्स बाय सेल करते हैं उसकी हिस्ट्री हम यहां से देख सकते हैं, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। यहां पर जो भी कॉइन्स हमने बाय सेल कर रखे हैं उनकी सारी हिस्ट्री यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइस स्पॉट ट्रेडिंग में जो भी आप क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे उसका सारा बैलेंस आपके स्पॉट वॉलेट में दिखाएगा, तो इसका बैलेंस चेक करने के लिए आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो स्पॉट वॉलेट का बैलेंस देखने के लिए आपको स्पॉट पे क्लिक करना है। आपका स्पॉट वॉलेट का पूरा पोर्टफोलियो यहां पर दिख जाएगा कि आपने किस क्रिप्टो में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऊपर आपके स्पॉट वॉलेट में जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है वो देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप देखते हो BTC में मेरे पास 0.004 BTC है, और इसके नीचे आपको यस्टरडे का PNL देखने को मिल जाएगा, आपको प्रीवियस डे में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है वो यहां पर आपको दिखा देगा। आप देख सकते हो मुझे 0.80% का प्रॉफिट हुआ है यस्टरडे में। तो बस गाइस यही है बाइनांस की स्पॉट ट्रेडिंग, जहां पर आप एक क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करके उसके थ्रू बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो। और गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें 2-4-10 साल के लिए क्रिप्टो करेंसी होल्ड करनी है तो उसके लिए बेस्ट वॉलेट कौन सा होगा। तो गाइस आप बाइनांस का स्पॉट वॉलेट यूज कर सकते हो, यहां पर आप स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करो, आप
आपके स्पॉट वॉलेट में वो हमेशा के लिए सिक्योर रहेगी, आप जितना लंबा चाहो उसे होल्ड कर सकते हो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कैसे आप बाइनांस ऐप पर स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट्स रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।